कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है। अलग अलग देश यह दावा कर रहे हैं कि उनके यहाँ वैक्सीन बन रही है। इस बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन ने उस स्तर की ताकत हासिल कर ली है जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को मजबूती से रोका जा सके। पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक इस घातक बीमारी की दवा खोजने में लगे हैं। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लाख लोग बीमार हैं। इसलिए वैज्ञानिकों की चिंता ये है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन बनाए। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने कहा है कि वे बाकी देशों की तुलना में बहुत जल्द कोविड-19 कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित कर चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई है उसके लिए इन लोगों ने सार्स और मर्स के कोरोना वायरस को आधार बनाया था। पीटर्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन की एसोसिएट प्रोफेसर आंद्रिया गम्बोटो ने बताया कि दोनों सार्स और मर्स के वायरस नए वाले कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बहुत हद तक मिलते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि इन तीनों के स्पाइक प्रोटीन को भेदना बेहद जरूरी है ताकि इंसानों को इस वायरस से मुक्ति मिल सके। प्रोफेसर आंद्रिया गम्बोटो ने कहा कि हमने ये पता कर लिया है कि वायरस को कैसे मारना है, उसे कैसे हराना है। हमने अपनी वैक्सीन को चूहे पर आजमा कर देखा और इसके परिणाम बेहद पॉजिटिव थे। प्रोफेसर आंद्रिया गम्बोटो ने बताया कि इस वैक्सीन का नाम हमने पिटवोवैक रखा है। इस वैक्सीन की असर की वजह से ये चूहे के शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज पैदा हो गए जो कोरोना वायरस को रोकने में कारगर हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।